वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जन्मोत्सव 2020 के बारे में और जानेंगे पूजा की सही विधि, शुभ मुहूर्त और हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। दोस्तों, भगवान श्री राम की जयंती के बाद आता है उनके ही परम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन ही हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस साल यानी कि 2020 में यह खास पर 8 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले हनुमान जन्मोत्सव की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। अब आप स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो प्रयास करें कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के सक्षम घी की अखंड ज्योति जलाने की। साथ ही आप अपने घर के मंदिर में साफ सफाई करना ना भूलें। और तो और हनुमान जी और सभी देवी देवताओं को स्नान करवाने के बाद हनुमान जी को नए वस्त्र अर्पण करें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं। इस विशेष दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें। इसके साथ ही भगवान श्री राम और माँ सीता का ध्यान भी अवश्य करें और साथ ही दोस्तों सियाराम जय राम जय जय राम इसका जाप करना भी ना भूलें। ध्यान रखें कि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की आरती सच्चे मन से करें और दोस्तों इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी हमें करना चाहिए। आपकी इच्छा अनुसार ही भगवान हनुमान को भोग लगाएं। यूं तो हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त माने जाते हैं और हनुमान जी को राम नाम पसंद है, इसलिए अधिक से अधिक राम जी के नाम का गुणगान करते रहें। आगे हम आपको बताएंगे कि हनुमान जन्मोत्सव की पूजा में किन सामग्रियों को हमें शामिल करना चाहिए। इनमें है सिंदूर, केसर युक्त चंदन, धूप, अगरबत्ती, दीपक के लिए शुद्ध घी, सरसों या फिर चमेली के तेल का उपयोग कर सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन भगवान हनुमान को हमें कौन से फूल अर्पित करने चाहिए? इनमें है गेंदा, गुलाब, कनेर, सूरजमुखी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि जो है वह 7 अप्रैल 2020 को 12 बजे शुरू होगी और जिसकी समाप्ति 8 अप्रैल 2020 को 8:03 पे होगी। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिस वजह से मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब बताते हैं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव में किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, देखा जाए तो हमें रोजाना ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, परंतु मंगलवार, शनिवार और हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। हनुमान चालीसा के पाठ का अपना अलग ही महत्व होता है। अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तो इस शुभ दिन हनुमान जन्मोत्सव से ही रोज हनुमान चालीसा के पाठ करने का नियम बना लें। यह सत्य है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से आपकी सारी समस्याएं पल भर में दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, वेद संसार की पूरी टीम की ओर से आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करेंगे और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। तो सारे भक्तजन मिलकर कहें जय हनुमान, जय सियाराम। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।